इंडिया फिलहाल दोस्तों वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। इंडिया में आपको 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन मिलती है, तो मतलब इस दुनिया में ऑलमोस्ट हर पांचवा बंदा एक इंडियन है। इंडिया में दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं, लेकिन दोस्तों इंडिया में एक कमी है, एक ऐसी कमी जो की जो कार कम्युनिटी है उसे पूरा दिन पूरी रात सताती है, एक ऐसी कमी जिसे जो सरकार है वो भी नहीं पूरी कर सकती। भाई वो क्या कमी है दोस्तों? वो कमी है कि इंडिया में आपको हर एक रिसोर्स मिलता है, आपको हर एक बढ़िया चीज मिलती है, लेकिन इंडिया में आपको एक भी सिंगल बुगाटी नहीं मिलती, एक भी सिंगल बुगाटी, जो की बहुत ही बड़ी बात है। जबकि आपको इंडिया में 18 करोड़ की रोल्स रॉयस मिलती है, जो कि बाहर सिर्फ 5-6 करोड़ की है। आपको इंडिया में 9 करोड़ की SF90 सोडाले मिलती है, जो कि बाहर सिर्फ 3 करोड़ की है, लेकिन तब भी इंडिया में एक भी सिंगल बुगाटी नहीं है। और इसके पीछे काफी बड़ी स्टोरी है, जिसमें दोस्तों 2008 के आसपास जो इंडियन इकोनॉमी है काफी बढ़िया ग्रो कर रही थी और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक थी, और साथ ही में जो इंडिया में अल्ट्रा वेल्दी लोग है उनकी जो वेल्थ है काफी जल्दी ग्रो कर रही थी। तो इसलिए इस टाइम में जो इंडिया में अल्ट्रा लग्जरी गुड्स है, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमली महंगी वॉचेस या फिर एक्सट्रीमली महंगी कार्स या फिर ऐसे लग्जरी सारी कपड़े वगैरह, उनके जो डिमांड है काफी बढ़ रही थी, और जो बाहर के एक्सट्रीम ब्रांड्स है इंडिया में आ रहे थे और काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। और साथ ही में इस टाइम में बढ़िया चीज क्या थी कि जो इंडियन कंज्यूमर है ऑलमोस्ट दुगना प्राइस पे कर रहे थे सेम चीज के लिए जो कि उन्हें अमेरिका में मिल सकती है। तो इसलिए जो बुगाटी है उन्हें लगा कि जो इंडिया है हमारी एक काफी बड़ी पोटेंशियल मार्केट बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग है उनकी वेल्थ भी इंक्रीज हो रही है, साथ ही में उनकी जो डिमांड है लग्जरी गुड्स की वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए उन्होंने सोचा 2009 के आसपास कि इंडिया में क्यों ना अपनी जो विरॉन है उसे लॉन्च करे। और ऐसा तो है नहीं कि जो विरॉन जैसे हाइपर कार्स होती है कंपनी को ऐसे 1-2 हजार बेचनी है महीने की तभी जाके उनकी जो कॉस्ट निकल पाएगी। अगर कंपनी साल की 2-3 भी भेजे कंट्री में तब भी उनका काम बढ़िया चल सकता है और बढ़िया सारे लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ऑफिशियली 28 अक्टूबर 2010 को बुगाटी ने अपनी जो विरॉन ग्रैंड स्पोर्ट 16.4 है उसको इंडिया में लॉन्च करा ऑफिशियली। ये इंडिया में सिर्फ एक ही डीलरशिप में अवेलेबल थी जो कि इंडिया के एक्सक्लूसिव मोटर है, जो कि इंडिया में बेंटली और लैम्बोर्गिनी के भी डीलरशिप हैंडल करते हैं। और इस गाड़ी का जो इंडिया में ऑफिशियल प्राइस होता है वो है 16 करोड़ रुपए का, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। 16 करोड़ में आपको बुगाटी विरॉन मिल रही है इंडिया में, जिसे आप इंडिया में रजिस्टर करा के इंडिया में चला सकते हैं, बहुत ही बड़ी बात है। और दोस्तों वैल्यू फॉर मनी कारवर्सल का सब्सक्राइब बटन भी है, जाके सब्सक्राइब कर लेना और एक रियल कारवर्सल प्रो बन जाओ। अगर आपको ऐसी और स्टोरी वाली वीडियो देखनी है बुगाटीज में या फिर ऐसे कूल कूल कार्स में पूरी दुनिया की। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ कि एक भी सिंगल बंदे ने इस गाड़ी को बुक नहीं कराया इंडिया में, एक भी सिंगल बंदे ने, लिटरली एक भी सिंगल बंदे ने इस गाड़ी को बुक नहीं कराया। आपको दोस्तों याद होगा कि मैंने भी कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाला था जिसमें मुझे एक एडिटर की जरूरत थी और मुझे बहुत ही सारी मेल्स आ गई ऐसे लोगों की जिन्हें जॉब चाहिए थी। और ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें जॉब की जरूरत है पर उनके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास सही गाइडेंस नहीं है एक जॉब को लेने के लिए। और ऐसी एक थी सोनिका आहूजा, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स में एक जॉब सीख कर रही थी जब उनकी फैमिली ने उन्हें मोटिवेट करा एक जॉब के लिए। और जॉब सर्च करते करते उन्हें रीलेवल के बारे में पता चला और फिर सोनिका ने एक टेस्ट दिया रीलेवल पे। और अब सोनिका बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है लोमोस में, और रीलेवल में आपको लोमोस के अलावा 800 डिफरेंट और कंपनीज मिलती है, फॉर एग्जाम्पल टाटा या फिर स्विगी या फिर शाओमी, जो कि रीलेवल के थ्रू हायर करते हैं। और रीलेवल में आपको 11 डिफरेंट कैटेगरीज मिलती है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स या फिर एचआर या फिर मार्केटिंग, जिसमें रीलेवल आपको इन सारी कैटेगरीज की जॉब के लिए प्रिपेयर करता है। तो अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सिर्फ जॉब प्रोवाइड नहीं करा पर आपको जॉब के लिए प्रिपेयर भी कर रहा है उसमें एक्सेल करने के लिए। तो बस आपको रीलेवल पे फॉर्म फिल करना है और जो उनका करियर काउंसलर है उनसे बात करनी है, और वो आपसे बात करके आपका इंटेंट चेक करके कि क्या आप कोर्स को परस्यू करके उसमें एक्सेल कर सकते हैं और क्या अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। और आपके पास सोने का जैसे हजारों एग्जांपल है जो कि रीलेवल के थ्रू अपना ड्रीम करियर परस्यू कर रहे हैं अब। तो अभी जाके चेकआउट करो रीलेवल को और टेक योर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। तो फिर दोस्तों क्योंकि इस गाड़ी की इंडिया में एक भी सिंगल बुकिंग नहीं हुई, तो काफी सारे जो ऑटो जर्नलिस्ट होते हैं या फिर जो ऑटो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी कि क्यों इस गाड़ी की एक भी सिंगल बुकिंग हुई नहीं इंडिया में। और उसका एक तो रीजन ये बताया कि जो इंडियन इकोनॉमी है अभी बेरली एक रिसेशन से निकली थी 2008 वाले से, तो इसलिए जो इंडिया के अल्ट्रा लग्जरी गुड्स है उनके लिए जो कंजम्पशन पावर है जो अल्ट्रा वेल्दी है उनकी काफी कम हो गई थी, और इसलिए वो ऐसे अल्ट्रा लग्जरी गुड्स फॉर एग्जाम्पल बुगाटी जो कि उस टाइम की इंडिया की सबसे महंगी गाड़ी थी उसे खरीदना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी समझ नहीं रहे थे। कुछ लोग ये रीजनिंग दे रहे थे कि उस टाइम में जो इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन है काफी अनस्टेबल थी, तो इसलिए काफी सारे जो अल्ट्रा वेल्दी लोग है वो ऐसे कॉन्फिडेंट समझ नहीं रहे थे इस गाड़ी को इंडिया में लेना। और दोस्तों ये रीजन मुझे समझ नहीं आया क्या है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है उसे क्या रिलेशन कि मैं बुगाटी लेता हूँ या फिर नहीं लेता, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई सरकार कौन सी है, मुझे तो अपनी बुगाटी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें जो रियलिटी में रीजन थे 2-3 थे जिसमें जो इंडिया की रोड कंडीशन है काफी बेकार थी, जैसे एक बुगाटी इंडिया में आई थी और ये अगर आप देखें कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है एक रोड ब्रेकर से ऐसे निकलने की, और बाकी सारे बाइक वाले ऐसे वीडियो बना रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों फायदा क्या 16 करोड़ की गाड़ी लेने का जब रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ जा रही है और आप इस गाड़ी का 10% जो पोटेंशियल है उसे भी अनलीश नहीं कर पा रहे, तो इसलिए थोड़ी खराब हो गई थी। और उस टाइम में जो इंडियन रोड है अभी से और काफी ज्यादा बेकार थे, तो इसलिए उस टाइम बुगाटी लेना काफी और एक मुश्किल वाली चीज थी, क्योंकि सिर्फ एक माइनॉरिटी रोड्स है जहाँ पे आप इस गाड़ी को चला सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। और दोस्तों इसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि इस गाड़ी की जो सर्विस है और जो मेंटेनेंस है काफी ज्यादा मुश्किल है, और अगर इस गाड़ी में टायर चेंज भी होते हैं तो इसके जो टायर है ऐसे फ्रांस भेजने पड़ते हैं। अगर इस गाड़ी की सर्विसिंग करानी है तो फ्रांस से जो टेक्नीशियन है उसे इंडिया में फ्लाई करके लाना पड़ता है। इस गाड़ी के जो पार्ट्स है बिल्कुल भी इंडिया में है नहीं और इसकी इंडिया में सर्विस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो इसलिए इसे इंडिया में मेंटेन करना काफी मुश्किल था। तो इसलिए जो अमीर लोग ऐसे थोड़ा झिझक
रहे थे इस गाड़ी को लेने से, मैं भी उस टाइम था नहीं। लेकिन दोस्तों बुगाटी ने इंडिया को एक और ट्राई दिया, जिसमें 2012 में इस गाड़ी का एक और वर्जन इंडिया में लॉन्च करा अराउंड 20-19 करोड़ के आसपास के प्राइस में। और फिर दोस्तों आपको पता ही है क्या हुआ होगा, इस गाड़ी की फिर भी एक भी यूनिट सेल नहीं हुई, एक भी सिंगल इस गाड़ी की बुकिंग नहीं हुई। और जो बुगाटी है उन्होंने इंडिया से हार मान ली कि जो इंडियन मार्केट है अभी थोड़ी कम मैच्योर है, वो अभी जो बुगाटी की लेगेसी है और जो बुगाटी की इंजीनियरिंग है उसे समझ नहीं पा रहे, और इसलिए बुगाटी ने इंडिया से हाथ फेर दिए। और इसके बाद उन्होंने गाड़ियां बेचना बंद कर दिया इंडिया में। और इसके बाद दोस्तों जो इंडियन सड़कें हैं एकदम सूखी पड़ते रही। इंडिया में सड़कों में एक भी सिंगल बुगाटी नहीं थी जो कि उन सड़कों का इस्तेमाल करके ऐसे बढ़िया परफॉर्मेंस अपनी दिखा पाए। सब सुना सुना लग रहा था और सबको आशाएं खत्म हो गई कि क्या इंडिया में कभी एक बुगाटी आ भी पाएगी क्या। लेकिन दोस्तों एक इंसान था जिसमें जिगरा था इंडिया में बुगाटी को लाने का, एक इंसान था जो कि इंडिया में बुगाटी 100 साल पहले ले आया था, एक वो इंसान था जो कि इंडिया में अपनी बुगाटी को लाके उसे क्रैश करने का दम रखता था, एक ऐसे चैट इंसान था जिन्होंने 20 साल की उम्र में बुगाटी खरीद ली थी एज एन इंडियन, और उनका नाम है J to the R to the D टाटा या फिर JRD टाटा। और वो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली पहले बंदे थे या फिर वन ऑफ द पहले बंदे थे जिन्होंने बुगाटी खरीदी, और पहले ऑफिशियली बंदे थे जो कि बुगाटी को खरीद के इंडिया में लाए, इंडिया में चलाते थे मजे से और रेसिस भी करते थे। और इसके पीछे काफी बड़ी स्टोरी है, और हाँ उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं करा, आप सब पे विश्वास है आपने कर लिया होगा। जिसमें दोस्तों जो JRD टाटा है वो RD टाटा के बेटे थे, और जो RD टाटा है वो जमशेदजी टाटा के फर्स्ट कजन थे, तो मतलब उनके अंकल लगते थे जमशेदजी टाटा। और जो JRD टाटा है उन्हें बचपन से ऐसे फास्ट चीजों का बहुत ही शौक था, फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स का, बाइक्स का या फिर कार्स का बहुत ही शौक था बचपन से। और जिनका जन्म है वो भी फ्रांस में होता पेरिस में, और अपने कॉलेज को परस्यू करने के लिए फ्रांस में गए थे पढ़ने के लिए। तो इसलिए दोस्तों ये बचपन से अपने पापा को या फिर RD टाटा को बोलते रहते थे कि पापा एक बाइक दिला दो मुझे, बहुत ही मजे करूंगा मैं, ऐसे फास्ट फास्ट चलाऊंगा, ऐसे बढ़िया उसमें मजे करूंगा, गेड़िया मारूंगा। और दोस्तों क्योंकि बाइक थोड़ी अनसेफ होती है स्पेशली उस टाइम में अगर लेनी, और स्पेशली उस टाइम में अगर एक परफॉर्मेंस बाइक लेनी, तो इसलिए RD टाटा ने एकदम मना कर दिया था कि बाइक बिल्कुल मिलने नहीं वाली, तो जो मर्जी कर ले बाइक नहीं मिलने वाली। तो इसलिए दोस्तों बाइक के बाद उन्हें दूसरी चीज का शौक था कार्स का, और कार्स में आपको पता है जो सबसे पिनिकल ब्रांड है उसका नाम है बुगाटी, और जो बुगाटी है एक फ्रेंच ब्रांड है। तो ये बचपन से उस ब्रांड को देखते आए थे, उस ब्रांड की सुपर परफॉर्मेंस कार्स को देखते आए थे कि कितनी ऐसे स्लीक दिखती है और कितनी ज्यादा हाइपर परफॉर्मेंस होती है इन वाली कार्स में। तो इसलिए फिर उन्होंने दूसरी जिद करी अपने पापा से RD टाटा से कि मुझे बुगाटी दिला दो बहुत ही मजे करूंगा फ्रांस में, अपने कॉलेज में ऐसे गेड़िया मारूंगा, बढ़िया बढ़िया ऐसे घूमूंगा इस गाड़ी में और ऐसे भगाऊंगा पूरी फ्रांस की रोड्स में। और वो ऐसे बोलते बोलते उन्हें बार बार ऐसे चिट्ठियां लिखते थे कि पापा जो बुगाटी है वो दिला दो, ऐसे उसके लिए पैसे ट्रांसफर करा दो, मुझे बुगाटी खरीदनी है, इसमें बढ़िया ऐसे मजे करूंगा फ्रांस की रोड्स पे। पर दोस्तों जो RD टाटा है उन्हें हर टाइम मना करते रहते थे कि ऐसे मिलने नहीं वाली है गाड़ी, ये सेफ नहीं है, इसमें ऐसे बहुत एक्सट्रीम परफॉर्मेंस है, वो ऐसे अपने आपको मार लेगा। तो इसलिए दोस्तों जो JRD टाटा ऐसे निराश होकर अपना फिर पढ़ते रहते थे कॉलेज में और उन्हें कोई बुगाटी मिल नहीं रही थी। पर दोस्तों फिर 1926 की 1 फरवरी के दिन में क्या होता है कि जो JRD टाटा है अपने कॉलेज हॉस्टल में पहुंचते हैं, कॉलेज रूम में पहुंचते हैं, और उन्हें एक खत मिलता है अपने पापा से RD टाटा से, और जो खत है उसकी हेडिंग होती है फ्रॉम बॉम्बे बाय बुगाटी। भाई सोचो कितना ज्यादा ऐसे दिमाग पड़ गया होगा कि आपने आपके जो पापा है उन्होंने अलाउ कर दिया आपको बुगाटी खरीदने के लिए। और उस खत में JRD टाटा के पापा लिखते हैं कि मैंने जो बुगाटी के पैसे वो ट्रांसफर करा दिए, वायर ट्रांसफर करा दिए, तुम्हारे तक पहुंचने वाले है, तो जाओ जाके बुगाटी खरीद लो और बढ़िया अपनी लाइफ के मजे लो। और फिर उसका रिप्लाई करते हुए JRD टाटा एक खत लिखते हैं। तो दोस्तों ये उनका रिप्लाई वाला लेटर है जो कि आपको दिखाता हूं। पापा थैंक यू सो मच फॉर योर वायर विच गेव मी द मोस्ट एक्यूटली जॉयफुल शॉक इन माय लाइफ। इट मेड मी ऑल द मोर हैप्पी एज आई रिसाइन माय सेल्फ टू नॉट हैविंग अ बुगाटी नाउ। सो इमेजिन व्हाट आई फेल्ट व्हेन ऑन माय अराइवल हियर आई फाउंड द फॉलोइंग वायर फ्रॉम बॉम्बे बाय बुगाटी। ओ माय गॉड, आई कुडंट बिलीव माय आईज। आई थिंक आई वाज होपलेसली फूल्ड दैट इवनिंग एंड नाइट। I jumped about and danced like a madman. I did not want to lose a single moment and didn't know what to do. I must have schemed and dreamt of my dream car very late in the night. तो दोस्तों कितनी ज्यादा सोचो खुशी होगी जब आपके पापा आपका जो ड्रीम चीज है वो दिलाती है। और इसके बाद फिर उन्होंने क्या करा कि जो बुगाटी का हेड ऑफिस है जो कि पेरिस में है उसमें एक लेटर लिख दिया कि जो बुगाटी मैंने 10-12 दिन पहले देखी थी अगर वो बिकी नहीं है तो मेरे लिए रिजर्व कर लो। और साथ ही में इनके एक दोस्त है जिनका नाम था मैक्स था, उन्हें भी थोड़े वायर ट्रांसफर करे जो कि JRD टाटा के साथ वो जो सारी बुगाटी की नेगोशिएशन है वो करने वाले थे और बढ़िया जो इनकी गाड़ियां खरीदने वाले थे। और फिर दोस्तों ऑफिशियली जो JRD टाटा है उनकी बुगाटी उनके पास आ गई। और उसके बाद वो क्या लिखते हैं ये देखो। Meanwhile after spending 4 days here I have realized how useful a car is for trams or auto cars are so slow and irregular for traveling about the coast canes and types nice etc। दोस्तों ऐसे पूरा बढ़िया मजे लेते थे ऐसे रोड वोड में अपनी बुगाटी को भगाते थे और उन्हें रेसिंग का भी काफी शौक था तो इसलिए ऐसे बढ़िया उन्हें मजे आते थे। फिर दोस्तों स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती। इसके 2-3 साल बाद जो JRD टाटा है उनकी फ्रांस में
पढ़ाई खत्म हो गई तो इसलिए वो इंडिया आ गए थोड़ा बिजनेस वगैरह संभालने के लिए। और इंडिया आने के साथ साथ वो जो अपनी बुगाटी है उसको भी इंडिया में ले आए। और अगर आप देखें ये वाली फोटो तो ये जो बुगाटी है इंडिया में है, और साथ ही में अगर आप देखें ये बुगाटी में आपको थोड़ी बहुत इंडियन नंबर प्लेट मिलती है। और साथ ही में अगर आप देखें इस वाली फोटो में आपको लेफ्ट साइड में एक ऐसे रोल्स रॉयस भी मिलती है। अगर आप ध्यान से देखें आपको रोल्स रॉयस वाली जो स्पिरिट ऑफ एक्सेसी है वो आपको मिलती है। तो भाई इनके पास इंडिया में उस टाइम में 1930 में रोल्स रॉयस थी, बुगाटी थी, पूरी कार कलेक्शन थी। भाई कितनी ज्यादा बड़ी बात है, पूरे कार एंथुजियास्ट थे। और जो डीआरडी टाटा है उन्हें रेसिंग का काफी शौक था तो इसलिए वो बॉम्बे की जो रेसिंग रैलीस वगैरह थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे इस गाड़ी के साथ और बढ़िया जीत के आते थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या होता है एक दिन कि जो जीआरडी टाटा है इस गाड़ी को बढ़िया बॉम्बे में भगा रहे थे और बढ़िया इसके मजे ले रहे थे, पर गाड़ी फिर एक फेटल क्रैश में आती है जिसमें जो जीआरडी टाटा है वो तो बच जाती है लेकिन ये गाड़ी पूरी डैमेज हो जाती है। इसका इंजन पूरा डैमेज हो जाता है और एक पुलिस केस बन जाता है। और क्योंकि ये गाड़ी डैमेज हो जाती है तो इसलिए जीआरडी टाटा इस गाड़ी को वही छोड़ देते हैं। लेकिन जो जीआरडी टाटा के लॉयर है जो कि पुलिस केस को हैंडल कर रहे होते हैं उनका नाम होता है जैक विसाजी, और जो जैक विसाजी है उनका डॉक्टर का नाम होता है थेल्मा। और जो जीआरडी टाटा है फिर थेल्मा से शादी कर लेते हैं और बढ़िया फिर उनकी जो आगे की लेगेसी है वो कंटिन्यू होती है जिसमें वो टाटा ग्रुप को एक्सपैंड करते हैं और बढ़िया बढ़िया से चीजें वगैरह बनाते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखें जीआरडी टाटा पहले चार थे जो कि उस टाइम में इंडिया में बुगाटी को ला पाए और इंडिया में चलाते थे। इंडिया में उसे क्रैश करी, क्रैश करने के बाद पुलिस केस बना तो लॉयर को हायर करा, जो लॉयर की डॉटर है उनसे शादी करी और भाई क्या लेगेसी है भाई। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है।